लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने अपने बचपन के दोस्त अनीश रजानी के साथ शादी कर ली है। 13 नवंबर को कोटा में उन्होंने अपनी शादी के रिसेप्शन दिया। इस शादी में कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत भी की। अंजलि और अनीश की शादी के कई वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए कई मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी और सेलिब्रिटी कोटा पहुंचे। हालांकि इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है कि ओम बिरला ने अपनी बेटी की शादी एक मुस्लिम शख्स से की है। ओम बिरला के दामाद के धर्म को लेकर खूब ज्यादा चर्चा हो रही है। एक ट्विटर यूजर तनवीर ने इस शादी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हालांकि ये एक फेक आईडी थी और बाद में इसे डिलीट कर लिया गया था। तनवीर ने अपने ट्वीट में लिखा था, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपनी बेटी अंजलि की शादी अनीश राजानी से की, आखिरकार वो क्या वजह है कि हमारे देश में सभी एंटी मुस्लिम नेता अपने दामादों के लिए अनीश और मुख्तार जैसे नाम चुनते हैं? क्यों नहीं कोई हिंदी नाम वाला दामाद इन्हें मिलता है? क्या हिंदी नाम वाले लड़के विश्वसनीय नहीं होते हैं? जिसके बाद ये दावा किया गया कि अंजलि बिरला की शादी मुस्लिम लड़के से हुई है। इस दावे के बाद कई और मुस्लिम यूजर ने इसी तरह के और दावे किए और अंजलि बिरला की शादी को लेकर कई अपमानजनक बातें कही। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि अंजलि और अनीश की शादी एक हिंदू विवाह समारोह से संपन्न हुई है। अनीश के धर्म की बात करें तो वो हिंदू सिंधी हैं। उनका परिवार राजस्थान के कोटा में रहता है। अनीश राजानी ऑयल बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ओम बिरला का परिवार कोटा शहर के दादाबाड़ी इलाके में रहता है। अनीश और अंजलि स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, तब से ही एक दूसरे को जानते हैं। अंजलि और अनीश की लव मैरिज है, जो दोनों के परिवार की रजामंदी से अरेंज मैरिज के तर्ज पर हुई है। बता दें कि शादी समारोह में राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौर, राज्य के युवा मामलों के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। बुधवार को बूंदी रोड स्थित एक रिजॉर्ट में रिसेप्शन आयोजित किया गया, जिसमें कई विशिष्ट अतिथि पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रिसेप्शन में शामिल हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।